हरियाणा में गुरुवार को फिर बीजेपी सरकार संभालेगी कमान। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी एक बार फिर सरकार की कमान संभालेंगे। पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। वहीं इसके बाद नायब सिंह सैनी ने अमित शाह के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। अब बीजेपी की नई सरकार दोबारा गुरुवार सुबह शपथ लेगी। इसको लेकर काफी तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी वहां मौजूद रहेंगे। दिवाली से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े ऐलान किए गए। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर और किसानों को बड़ी सौगात दी। सरकारी कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा दिया गया। वहीं रवी सीजन की 6 फसलों का एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई। गेहूं की फसल पर प्रति क्विंटल 150 रूपये, तो सरसों पर 300 रूपये प्रति क्विंटल एमएसपी का इजाफा किया गया। अब सभी वीआईपी सिक्योरिटी की ड्यूटी से एनएसजी कमांडो हटा लिए जाएंगे। गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ये प्रस्ताव लागू कर दिया जाएगा। अब एनएसजी कमांडो का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए होगा। वहीं जिन वीआईपी को बहुत ज्यादा खतरा होने की आशंका जताई गई है, उनकी सिक्योरिटी की कमान अब सीआरपीएफ संभालेगी। भारत से भगोड़ा घोषित और विवादित उपदेशक जाकिर नाइक से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई अगले बुधवार तक टाल दी। साथ ही अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से हलफनामा दाखिल करने को कहा। वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जाकिर भगोड़ा घोषित किया जा चुका है और इस याचिका पर जाकिर के दस्तखत नहीं है, लिहाजा एक घोषित भगोड़ा कैसे याचिका दाखिल कर सकता है, ये याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। वहीं अदालत ने याचिका दायर करने पर उठे सवालों समेत सभी पहलुओं पर जवाब मांगा है। पीएम मोदी ने बीजेपी के सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत सबसे पहले खुद प्रधानमंत्री ने सक्रिय सदस्यता ली। सक्रिय सदस्य बनने के लिए कार्यकर्ता को एक बूथ या एक विधानसभा सीट पर 50 सदस्यों को रजिस्टर करवाना होगा। ऐसे कार्यकर्ताओं को मंडल समिति समेत दूसरी समितियों में बड़े मौके भी मिलेंगे।